बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरदोई जिले के संडीला में 37 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र में बनी बर्जर ग्रुप की पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने वर्चुअली लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जहां चुनौती होती है वह अवसर के रास्ते भी पैदा होते हैं। 2020 में दुनिया कोरोना की चपेट में थी। कोरोना की चुनौती के बीच यूपी में निवेश धरातल पर उतरा। आज यूपी निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभर रहा है। पहले सिर्फ 4 जिलों में ही औद्योगिक इकाइयां लगती थी। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार सभी मिथकों को तोड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। 1000 करोड़ रुपए की यूनिट बर्जर पेंट्स ने लगाई है। यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य की ओर संकेत करता हुआ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी और पूरे कैबिनेट की जो मेहनत है वो रंग लाते हुए दिख रही है। बर्जर पेंट्स ने यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। 1000 करोड़ के निवेश से यह पूरी यूनिट लगाई है। रोजगार के नए मौके तमाम स्थानीय लोगों को मिलेंगे। जहां चुनौती होती है वहीं अवसर के रास्ते भी होते हैं। उन्हीं चुनौतियों के बीच से एक अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स किया नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हम सब जानते हैं कि बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में यानी 2020 का वो समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में यानी मात्र 30 माह के समय में इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना यह आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है या उत्तर प्रदेश के एक नए औद्योगिक प्रवेश को भी प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे उसके लिए अपना योगदान दें, यह पिछले कुछ समय से ये सभी नजारे आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका एक उदाहरण है। आप सबने इस बात को देखा होगा कि अक्सर होता था कि जब भी निवेश की बात प्रदेश में होती थी तो निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर एनसीआर का रीजन माना जाता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत हुआ तो यमुना 30 और गाजियाबाद,
2017 के पहले हमारे सामने चुनौती थी, क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ। इन चौथे, इसके अलावा कोई पांचवां स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके।